कॉम्पिटिशन वर्सेज कॉपरेशन, आप लोग उसको भी बताना चाहेगा। हमारा कॉम्पिटिशन दूसरे मॉल डेफिनेट, अगर मेरे आपके कस्टमर 50,000 किसी एक कारणवश दूसरे मॉल चले, वो कलेक्टिव घाटा किसका किसका हुआ? हम सभी, डेफिनेटली हम सभी। और अगर हम लोग रूट कॉज में भी नहीं गए, ऐसा कि अगले और 25-30,000 कस्टमर जाएंगे, दैट मीन कि आपका कॉम्पिटिशन दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डे बाय डे कॉम्पिटिशन से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑलरेडी बना ही रहे होंगे। कलेक्टिवली एक्टिंग लाइक ऑफ जो हम टेक्निकल बात करेंगे ऑयल, तब आपके सामने आते जाएगा कि व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स, कैसे हमको इसका कलेक्टिव फायदा मिलेगा, कैसे हम लोग अपने आप को अब कंपेयर टू अदर मॉडल्स होगा, हम लोग किस तरह की शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। जब एक कस्टमर आता है हमारे शॉप में, उसने सामान खरीद लिया, उसको बेस्ट एम्बियंस मिला, एंड देन व्हाट, देन एक्सपीरियंस फॉर योर लास्ट विजिट, एवरीथिंग दे आर गिविंग अ फीडबैक फ्रॉम देम एंड दे आर कीपिंग रिकॉर्ड। आफ्टर दैट एक्चुअली वी आर गिविंग देम अ वन लेटर, इन दैट एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग यू फॉर डिफरेंट ऑफर्स, यू विल गेट द बेस्ट डील, दैट्स अ मोमो, बाय वन गेट वन व्हेनेवर। सेकंड थिंग, वंस वी आर गिविंग द लेटर्स, दे आर नोट डाउन द नंबर एंड आफ्टर 2-3 डेज मोर रिपीट परचेस इन दिस वन, राइट? सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेल्पिंग यू आउट, राइट? यस, वेरी एक्सीलेंट। Whether we are providing them any motivation to visit again? Suppose if any customer came to you, कि मैं वापस यहाँ पे आऊँगा एक हफ्ते में या 15 दिन में, any motivation? Yes, it can be service. Again, वही कि world class service या customer delight, तो बहुत अच्छा लगे। उसके अलावा? Yeah, actually we believe to MPM marketing, that is a mouth to mouth publicity. If guest is coming first time and we are giving the excellent service, so once he will go out, so we will discuss with others, like his friend or his family, like I went to this. उसके तृतीय वर्ष का आठ पर हमारी हर साल की तरह इस साल भी हमारे तीसरी रिटेलर्स मीट हमने आयोजित की है आनंदा इम्पीरियल होटल में, और इसमें इस सार जैसा कि एक रामा मैनोटोमल परिवार जो है वो उनके आपस में क्या उनकी शिकायतें हैं, उनके सुझाव हैं, ये सब के मद्देनजर रखते हुए हमने एक मीट हर साल ये आयोजित करते हैं, और इसमें रिटेलर्स लोग का खासा उत्साह रहता है क्योंकि उनको कुछ सुझाव देने होते हैं और कुछ उनकी शिकायतें हम वो पूरी मॉल के साइड से उनको कम्प्लीट करते हैं, और इसी तारतम्य में नए साल भी हमने आयोजित किया है, और इसमें एक इस पाल खासियत यह रही है कि इसमें एक बिजनेस मोटिवेटर हैं जो कि बेंगलोर से आए हैं, वो हमारे रिटर्न का उत्साहवर्धन करेंगे कि किस तरह हमारे कस्टमर्स को हम रिटेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सकें, और मॉल के अंदर कैसे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं इसके बारे में वो पूरी जानकारी दे रहे हैं।